देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, इसकी रेंज निकालनी है। कोई भी साइन की पावर करने से ये वैल्यू साइन स्क्वायर से एक्स से तो स्मॉलर ही रहेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में थी। पावर जितना ज़्यादा करोगे उतनी ही वैल्यू कम हो जाएगी, तो ऐड करोगे तो साइन की पावर 2nx प्लस कॉस की पावर 2nx आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज़ 1। और ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी क्योंकि इवन पावर है, तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। 10th, ये हो गया 2 cot अल्फ़ा, ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है कॉसिक स्क्वायर अल्फ़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 प्लस cot अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको सिखाया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है मॉड एक्स, तो हो जाता है 1 प्लस cot अल्फ़ा। अच्छा, अब देखिए इस इंटरवल में जो कॉट अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 1 -1 से कम होगी, दैट इज़ ये होगा निगेटिव। यदि अंदर वाला क्वांटिटी नेगेटिव है तो मॉडुलस नेगेटिवली ओपन हो जाता है, तो आंसर आएगा -1 -(-1)cot अल्फ़ा। इसका आंसर हो गया बी आंसर।